गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई स्टार्ट करते हैं टैली आरपी 9 की क्लास। टैली आरपी 9 में कल हमने पढ़ा था सब कैटेगरी एवं सब ग्रुप। आज हम पहले आपको बताने वाले हैं, जो इस समय लिखा रहे थे आपको हम, ग्रुप्स, टाइप ऑफ ग्रुप्स मोस्टली हमने लिखा दिया था। उनमें से जो कुछ ग्रुप हैं वो मैं आज आपको पहले बता देता हूँ। टैली आरपी 9 में जो ग्रुप पाए जाते हैं उनका यूज लेजर क्रिएट करने के लिए किया जाता है। और ये मैंने स्टार्टिंग में लिखाया था आपको कि 28 ग्रुप पाए जाते हैं, जिनमें से 15 प्राइमरी ग्रुप होते हैं, 13 सब ग्रुप हैं। और इनमें से मोस्टली ग्रुप मैंने आपको लिखा दिया था बैंक, बैंक ओसीसी, ओडी, ब्रांच, डिवीजन, कैपिटल, कैश, करंट एसेट, लाइबिलिटी, डिपोजिट, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, टैक्स ड्यूटी, फिक्स एसेट, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, और जो भी जरूरत पड़ेगी बीच बीच में हम बताते जाएंगे। इन्वेस्टमेंट भी हो गया था, लोन है, एडवांस भी हो गया था, लोन प्रोविजन और परचेस अकाउंट भी आप जानते ही हैं मोस्टली। यदि नहीं लिखा है परचेस किस लिए यूज किया जाता है, जो भी हमें परचेस करना होता है, यदि ऐसे अकाउंट हमको ओपन करना है तो हम परचेस अकाउंट के अंतर्गत ओपन करते हैं। रिवर्स एंड सरप्लस आपको लिखाया था मैंने, और सेल्स आपको मालूम ही है कि जो सेलिंग करते हैं उसके लिए होता है। सिक्योर्ड लोन भी बताया था, स्टॉक इन हैंड हमारे पास स्टॉक कितना है उसके लिए होता है। सन्डी क्रेडिटर जिससे हम उधार लेते हैं उसके लिए यूज करते हैं, सन्डी डेबिटर जिसको हम उधार बेचते हैं। सस्पेंस अकाउंट मुझे बताना था शायद, सस्पेंस ट्रेडिंग पड़ी हुई थी। सस्पेंस का मतलब होता है टैली आरपी 9 एक ऐसा ग्रुप प्रोवाइड करता है, यदि उस एंट्री का कोई नेचर क्लियर नहीं है, यानी कि हमको वो क्लियर नहीं हो रही है कि उसकी एंट्री, उसका ग्रुप हमको किसके अंतर्गत रखना है, तो ऐसी एंट्री जो सस्पेंस में हो उसको हमको किसमें क्रिएट कर लेना चाहिए, सस्पेंस अकाउंट। यानी कि ऐसी जिसका नेचर क्लियर ना हो कि उसमें करंट एसेट्स होगा, सेल होगा, परचेस होगा, क्या होगा, कौन सा ग्रुप होगा, यदि ऐसे आपको डाउट है, उस डाउट के लिए टैली आरपी 9 एक ग्रुप प्रोवाइड करता है जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। आप उसके अंतर्गत अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अनसिक्योर्ड लोन हमने पढ़ा ही था, ये सारी डिटेल है मैंने आपको लिखा दिया था, बता भी दिया था, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे आपको दिखा दिया और बता दिया। यदि कोई ऐसा ग्रुप और मिलेगा जो आपको समझ में ना आए तो वो आगे मैं बताऊंगा। ओके, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऐसे सभी एक्सपेंसेस जो ऑफिस से रिलेटेड होते हैं उन्हें हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ग्रुप में रखते हैं, डिस्काउंट, रेंट। ये इनडायरेक्ट इनकम, ऐसी इनकम जो गुड्स को सेल करने के अलावा हमें कहीं से रिसीव होती है वो इनडायरेक्ट इनकम होगी हमारी। ओके, ये इस तरीके से आप बता सकते हैं कितने प्राइमरी ग्रुप हैं, उनके अंदर इतने सेकेंडरी ग्रुप, ये सेकेंडरी ग्रुप। ओके, टैली ऑल वाउचर, टैली में जो वाउचर पाए जाते हैं, देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो हम ग्रुप पढ़ रहे थे, दूसरे हेडिंग आपको बनाना है टैली वाउचर। टैली में जो वाउचर पाए जाते हैं जिसके अंतर्गत हम एंट्री करते हैं, तो कहाँ पे हमको कौन सा वाउचर यूज करना चाहिए वो हम सीखेंगे। फॉर कॉन्ट्रा, यहाँ पे शॉर्टकट की आप मालूम है, बैंक से ट्रांजेक्शन करने के लिए कॉन्ट्रा वाउचर पे यूज होता है F4। ये सारे वाउचर यहाँ पे दिए हुए हैं, एक एक करके हम समझेंगे। ये अकाउंटिंग वाउचर कहलाते हैं, जो भी वाउचर है सभी किससे रिलेटेड है, अकाउंटिंग से रिलेटेड है हमारे। कॉन्ट्रा वाउचर हुआ, पेमेंट वाउचर हुआ, रिसीप्ट वाउचर हुआ, ठीक है, जनरल वाउचर हुआ, सेल्स वाउचर हुआ, परचेस वाउचर हुआ, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिवर्सिंग जनरल है, मेमो वाउचर है, ये सभी जो है अकाउंटिंग वाउचर कहलाएंगे। एक्चुअल में वाउचर टैली में दो तरीके से दिए गए हैं, कुछ अकाउंटिंग वाउचर है, कुछ इन्वेंटरी वाउचर है। और ये इन्वेंटरी वाउचर है, अकाउंटिंग वाउचर तो हमने मोस्टली यूज किया है, इन्वेंटरी वाउचर अभी तक हमने यूज नहीं किया है, आगे करेंगे। इन्वेंटरी वाउचर का मतलब है सेल्स ऑर्डर, परचेस ऑर्डर, रिसीप्ट नोट, डिलीवर्ड नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट, स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, ये जो है इन्वेंटरी वाउचर है। अभी तक हमने एक भी इन्वेंटरी वाउचर यूज नहीं किया है, अभी जो हमने सीखा है अकाउंटिंग वाउचर सीखा है और अकाउंटिंग वाउचर पे वर्क किया है।
आगे हम इन्वेंट्री वाउचर भी यूज करेंगे। यदि मैं बात करूं सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर में, तो आप लिखते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइएगा, मैं तुम्हें बताता जाता हूं। रिसीप्ट वाउचर, जब भी बिजनेस में पैसा प्राप्त हो, चाहे कैश हो या चेक हो, तब उसकी एंट्री रिसीप्ट वाउचर में होगी। सीधा सा लिखना है, जब भी बिजनेस में आपको पैसा मिलता है, उसकी एंट्री आपको किसमें करना है? रिसीप्ट वाउचर में। चाहे वो पैसा आपका कैश में आया हो या चेक में आया हो, डाउट नहीं होना है, ठीक है? जैसे रुपेश ने 5,000 रुपए प्राप्त हुए, इस वाउचर को सेलेक्ट करने के लिए टैली RP9 में F6 शॉर्टकट की का यूज किया है। इसकी कई एंट्री हम देख चुके हैं, जैसे कैपिटल अकाउंट या किसी से पैसा मिला, हम किसमें करते हैं? रिसीप्ट वाउचर। पेमेंट वाउचर, जब भी बिजनेस से किसी को पैसा दिया जाए, चाहे वो कैश में हो या चेक में हो, वो आप किस में करेंगे? पेमेंट वाउचर। बहुत सिंपल, पहले भी मैं कई बार बता चुका हूं, यदि अपनी कंपनी में कहीं से भी पैसा आता है तो रिसीप्ट वाउचर, चाहे चेक में आए चाहे कैश। यदि अपनी कंपनी से पैसा जाता है, चाहे कैश जाए चाहे पेमेंट में या चेक जाए, उसकी एंट्री आप किस में करेंगे? पेमेंट। परचेज वाउचर, जब भी बिजनेस में कुछ गुड्स हम खरीदेंगे, हमेशा उसकी एंट्री किसमें होगी? परचेज वाउचर में होगी, जिससे आपको स्टॉक डिटेल बढ़ेगा, ठीक है? और इससे DR और CR बनता है, दोनों आपकी विंडो स्विच हो सकती हैं। एक कंट्रोल B भी यूज कर सकते हैं, आगे हम यूज करेंगे। ये आपका वाउचर में होता है और इनवॉइस मोड में होता है। इसके लिए शॉर्टकट की यूज करते हैं, F9 करते हैं। सेल्स वाउचर, ये भी मालूम है, जब भी बिजनेस से माल बेचा जाएगा, गुड्स बेचा जाएगा, उसकी एंट्री हमेशा किसमें होगी? सेल्स वाउचर में होगी। कॉन्ट्रा वाउचर, बैंक से कैश निकालना और बैंक में कैश जमा करना, यदि इससे रिलेटेड कोई भी एंट्री है, बैंक से रिलेटेड, बैंक में पैसा जमा करना या बैंक से पैसे को निकालना, तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे? कॉन्ट्रा वाउचर। अर्थात जब भी बिजनेस का कैश उसी से एक अकाउंट से निकालकर दूसरे अकाउंट में जमा होता है, जो कि उसी बिजनेस के अकाउंट है, तब ये एंट्री कॉन्ट्रा में होगी। यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक में यदि हम ट्रांसफर भी करते हैं, तो भी कॉन्ट्रा में एंट्री होगी। बैंक कैश टू बैंक, ये ध्यान रखना, कैश टू बैंक, बैंक टू कैश, बैंक टू बैंक, कोई भी ये ट्रांजेक्शन होगी, ये तो ट्रांजेक्शन हमने किए भी हैं, सीखे भी हैं, ये कोई भी ट्रांजैक्शन होंगे कॉन्ट्रा वाउचर पे होंगे। डेबिट नोट, इसका भी यूज नहीं किया, आगे करेंगे हम। जो माल हमने खरीदा, यदि वह गलती या खराब हो जाने के कारण वापस करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हमको डेबिट नोट जारी करना होगा। ओके, मान लीजिए कोई भी हमने खरीदा माल और उसमें से कुछ खराब निकल गया, तो उसको हमको वापस करना पड़ेगा, तो हमें उसके लिए क्या यूज करना पड़ेगा? डेबिट नोट वाउचर। और क्रेडिट नोट वाउचर, जो माल हमने बेचा, यदि वह गलत या खराब निकलता है, तो उसको हमारे पास वो माल आएगा, उसकी एंट्री हमको क्रेडिट नोट वाउचर में करना है। सभी अकाउंटिंग वाउचर अभी हम पढ़ रहे हैं। स्टॉक जर्नल वाउचर, ये वाउचर तभी काम करेगा जब गोदाम फीचर इनेबल होगा। अभी हम गोडाउन सीखेंगे। मान लीजिए हमारे बिजनेस है, हमारे पास कई गोडाउन हैं, उस गोडाउन को यदि हम यूज करते हैं, तो इस वाउचर को हमको यूज करना होगा। और एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में स्टॉक को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है स्टॉक जर्नल वाउचर। मान लीजिए एक गोडाउन हमारी रामघाट है, सीतापुर में हमने माल मंगाया, और हम चाहते हैं 100 पीस हमारे पास कंप्यूटर आया, 50 पीस सीतापुर में रखना चाह रहे हैं, 50 पीस हम रामघाट में रखना चाह रहे हैं, तो अलग अलग गोडाउन में एंट्री होगी। अब इसके बाद हम चाहते हैं रामघाट में जो 50 पीस है, उसके 25 पीस सीतापुर और भेजना चाहते हैं, तो हमको ट्रांसफर करना पड़ेगा रामघाट से सीतापुर गोडाउन। तो स्टॉक जनरल वाउचर को यूज करके हम उस आइटम को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर। इसी प्रकार से अगला है फिजिकल स्टॉक वाउचर। यदि हमारे गोदाम में स्टॉक की मात्रा टैली की स्टॉक की मात्रा में अलग अलग है, कई बार मेंटेन करने में प्रॉब्लम आती है, साल भर में एक बार हमको फिजिकली स्टॉक मेंटेन करना पड़ता है, हो सकता है कुछ स्टॉक
गया हो, खराब हो गया हो किसी कारण से, या डिफेक्टिव हो गया हो, तो हमको उसको काउंट करना पड़ता है। कभी कभी आपको ऐसा भी मिलेगा, टैली में मान लीजिए 10 पीस बताया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में 8 पीस ही है हमारे पास, 2 पीस हमारे डिफेक्ट हो गए हो, चोरी हो गया हो, तो उस स्टॉक को मेंटेन करना पड़ेगा। तो उसको हम उसकी जो एक्चुअल में 10 पीस जो टैली में बता रहा है उसको हटा करके हमको एक्चुअल में फिजिकल एंट्री जो देनी होगी वो 8 पीस की देनी होगी। तो फिजिकली स्टॉक को मेंटेन करने के लिए हम इस वाउचर का यूज करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, टैली में जैसे मेन लोकेशन पर 100 पेन है जबकि वास्तविक में पेन 98 है, 100 पेन हमारा बता रहा है लेकिन हमें एक्चुअल में उसमें 98 ही मिल रहे हैं, हो सकता है 2 पेन हमारे डैमेज हो गए हों, तो उसको 98 हमको टैली RP9 में अपने करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, फिजिकल स्टॉक वाउचर। ओके, अगला होता है जनरल वाउचर। ये दो अकाउंट के बीच में अमाउंट को एडजस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर कई प्रकार की एंट्री की जाती है, जैसे मैंने बताया था ग्रुप पाया जाता है सस्पेंस, यदि कोई भी उसका नेचर समझ में नहीं आता तो उसको सस्पेंस अकाउंट के अंदर ओपन कर लिया जाता है। उसी प्रकार से वाउचर भी टैली RP9 प्रोवाइड करती है। यदि आपको कोई वाउचर समझ में नहीं आता है किसकी एंट्री हम किस वाउचर में करें, तो ऐसी एंट्री को आप किसमें कर सकते हैं, जर्नल वाउचर। इसका सीधा सा ध्यान रखना है, जर्नल वाउचर एंट्री में कैश और बैंक छोड़कर सभी अकाउंट की एंट्री की जा सकती है। जर्नल वाउचर में आप कैश और बैंक को छोड़ करके बाकी सारी एंट्रीज में आप कर सकते हैं। टैक्स TDS कैलकुलेशन भी जर्नल वाउचर में की जाती है। ओके, अगला है मेमोरेंडम वाउचर, मेमो वाउचर के नाम से जाना जाता है। टैली में मेमोरेंडम वाउचर इसलिए प्रोवाइड किया गया है, कई बार इसकी जरूरत पड़ती है, इसकी अकाउंटिंग में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मेमोरेंडम वाउचर मतलब मेमो वाउचर, यानी कि अपनी मेमोरी के लिए कोई एंट्री करना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी व्यक्ति को कंपनी की तरफ से हमने कानपुर भेजा कुछ सामान खरीदने के लिए, तो अभी हमको ये तो क्लियर नहीं होगा कि वो सामान कितने का आएगा, कितना अमाउंट लगेगा, उसके आने जाने में कितना पैसा एक्सपेंस होगा, ये आपको क्लियर नहीं होगा ना, वो व्यक्ति बता सकता है, वो तो जब वहां से वापस आएगा तब बताएगा, लेकिन उसको पैसा तो देना पड़ेगा। तो उसकी एंट्री हम किस में कर सकते हैं, मेमो वाउचर में। हमने मान के चलिए उसको 10,000 रुपए दिया, तो मेमो वाउचर में 10,000 की एंट्री हमने उसके नाम से कर लिया। जब वो वहां से कानपुर से वापस आएगा तो हमको बिल देगा, हिसाब देगा, बताएगा कि इतना पैसा मेरा खर्च हुआ और इतना पैसा बचा है या मेरा एक्स्ट्रा लगा है। तो इसके बाद ये मेमो वाउचर की एंट्री को हम एडजस्ट कर देंगे रेगुलर एंट्री में, और जो भी पैसा होगा कम ज्यादा उसको एडजस्ट करेंगे। ओके, इसी तरह रिजेक्शन इन, ये अलग से वाउचर प्रोवाइड किया गया है टैली RP9 में। यदि कोई भी प्रोडक्ट किसी को देते हैं और उसमें से यदि कुछ खराब पीस निकलते हैं वो हमारे पास वापस करेगा, और फिर हमको उसको चेंज करके देना होगा, रिटर्न नहीं हुआ है, वापस किया बनाने के बाद फिर हमको देना है, तो उसकी एंट्री हम करेंगे रिजेक्शन इन में। वो प्रोडक्ट हमारे पास आ गया, रिजेक्शन इनमें होगा। और उसको मॉडिफाई करने के बाद फिर हमको उसको देना होगा, इसके लिए टैली RP9 रिजेक्शन इन वाउचर प्रोवाइड करता है। इसी प्रकार से रिजेक्शन आउट, खराब स्टॉक देने की एंट्री, यानी कि हम इस वाउचर में सेलेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। वाउचर तभी काम करेगा जब रिजेक्शन इन फीचर एनेबल होगा। आउट, हमें भी यदि किसी से लिए हैं तो हो सकता है कुछ प्रोडक्ट खराब हो तो हमें भी वापस करना पड़ सकता है, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं रिजेक्शन आउट वाउचर। ओके, इसमें देखिए दोनों वाउचर में बताता जा रहा हूं आपको, रिजेक्शन इन और रिजेक्शन आउट, ये इसके इन्वेंट्री के वाउचर हैं और ये कुछ आपके किसके हैं, काउंटिंग के हैं, तो वो भी मैं बताता चल रहा हूँ। एक बार समझा देता हूँ, आप जैसे इनकी जरूरत होगी आगे हम इनको प्रैक्टिकली सीखते भी जाएंगे, आप नोट भी कर लेंगे। परचेस ऑर्डर वाउचर,
अभी तक हमने इसका यूज नहीं किया, आगे करेंगे। परचेज ऑर्डर वाउचर का मतलब है कि जहां से हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उसको ऑर्डर देना परचेसिंग के लिए। ओके, सेल्स ऑर्डर, हमारे पास कोई ऑर्डर आया और सेल्स ऑर्डर जैसे आएगा उस ऑर्डर को फिर डिलीवर्ड करेंगे, ये भी हम सीखेंगे। अटेंडेंस वाउचर, मैंने बताया था टैली ERP 9 में पेरोल की फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, और जब हम पेरोल यूज करेंगे यानी कि स्टाफ की सैलरी को क्रिएट करेंगे उस समय में अटेंडेंस की आवश्यकता होती है, और उसमें हम अटेंडेंस वाउचर में अटेंडेंस की एंट्री करते हैं, एम्प्लॉय कितने दिन छुट्टी में था, कितने दिन नहीं था, कितने घंटे ओवर टाइम उसने काम किया, उसके आधार पर उसका पेरोल क्रिएट होता है। पेरोल मैंने बताया ही था, सैलरी को बनाना, सैलरी को कैलकुलेट करने के लिए पेरोल वाउचर का यूज किया जाता है। ये सारे वाउचर आपको लिख लेना है, इसलिए मैंने आज बताया। अब एक एक करके हम वाउचर इनका सीखेंगे, एग्जाम्पल भी सीखेंगे, ये आप नोट कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए, आज मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन बताना चाह रहा हूँ। इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन हमें यूज करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ब्याज को कैलकुलेट करना। यदि हम किसी को उधार देते हैं तो उसकी एक टर्म कंडीशन हो सकती है कितने दिन के लिए हम देंगे, और मान लीजिए किसी को 1 महीने के लिए हमने उधार दिया, 1 महीने के बाद हम उससे ब्याज ले सकते हैं। टैली ERP 9 इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जितने दिन उसमें हम क्रेडिट पीरियड दे देंगे उतने दिन तक उसको ब्याज नहीं लगेगा, और उसके बाद ऑटोमेटिक उसके पैसे में ब्याज कैलकुलेट हो जाएगा। यदि 1 महीने का हमने उधार दिया है तो 1 महीने तक उसको पैसा नहीं दे, ब्याज कैलकुलेट नहीं होगा, लेकिन 1 महीने के बाद यदि वो हमको पैसा देने आएगा तो उसका अमाउंट ब्याज के साथ कैलकुलेट होकर टैली ERP 9 बताएगा और हम उससे ब्याज सहित पैसा ले सकते हैं। ये कहलाता है इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम सीखेंगे आज, कि कई प्रकार से टैली ERP 9 में इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम सीखेंगे, फिर कंपाउंड भी किया जा सकता है, चक्रवृद्धि ब्याज भी लगाई जा सकती है, और सिंपल भी उससे ब्याज लिया जा सकता है। कल मैंने कुछ एंट्री बताई थी आपको, ये देखिए, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो ब्याज होती है सिंपल हो सकती है, कंपाउंड हो सकती है। इसके लिए हमको कुछ फीचर्स एक्टिवेट करना होगा, ये स्टेप आप लिख लीजिएगा। थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, सिंपल और कंपाउंड के लिए सबसे पहले आपको फीचर एक्टिवेट करना होगा, फिर लेजर क्रिएट करना होगा, और फिर सेल या परचेज की एंट्री करना होगा। फिर हम इसका दूसरा ऑप्शन सीखेंगे, रिसीव इंटरेस्ट, और फिर इंटरेस्ट को रिसीव कैसे करेंगे। मैं आज यहां पहले ये देखो, ये आपको डालना है हेडिंग, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसके लिए आप स्टेप लिख लीजिएगा, सबसे पहले एक्टिवेट द फीचर, क्रिएट द लेजर, और सेल्स और परचेज। जब हमसे ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो जाएगा, इसके बाद फिर हम उसको रिसीव करना सीखेंगे।
ओके तो सबसे पहले मैं फीचर एक्टिवेट करने के लिए आपको बताऊंगा। टैली ऐप की लाइन ओपन करते हैं। कौन से फीचर आपको एक्टिवेट करना है? गेटवे आप टैली में रखते हुए F11 फंक्शन की को प्रेस करना है और इसके अंदर आपको मिलेगा कंपनी फीचर। इसमें आपको सीधा सीधा कंपनी के फीचर डिस्प्ले होते हैं। अकाउंटिंग फीचर, अकाउंटिंग फीचर में आपको जाना है। अब इन्वेंटरी पे नहीं जाना है क्योंकि हम इन्वेंटरी से रिलेटेड काम नहीं कर रहे। किससे कर रहे हैं? अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग फीचर और इसके अंदर आपको तीन फीचर्स इनेबल करना है, मेंटेन बिल वाइज डिटेल और इसके बाद एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इस ऑप्शन को एस करना है और यूज एडवांस पैरामीटर, इसको भी आपको एस कर देना है और इसको एक्सेप्ट कर लेना है। पहला ऑप्शन हमारा कंफर्म हुआ यानी कि एक्टिवेट फीचर। आप ध्यान दें, हमने तीन फीचर्स एक्टिवेट किया अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर। ये आपको बताया मेंटेन बिल वाइज, नोट कर लीजिएगा। दूसरा एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तीसरा यूज एडवांस पैरामीटर। और इसके साथ ये तीनों हो गए, इसी के साथ रिसीविंग के लिए भी हम कर लेते हैं। यहाँ तीन आपको ये फीचर्स भी इनेबल करना पड़ेगा आगे, तो यहीं पे कर देता हूं मैं। डेबिट एंड क्रेडिट नोट एस, ओके। रिकॉर्ड क्रेडिट नोट इनवाइस मोड एस और रिकॉर्ड डेबिट नोट, ये तीन फीचर्स ये भी ऐड कर लीजिएगा एस, ओके। और इसके बाद आपको लेजर क्रिएट करना है। तीन फीचर आपके एक्टिवेट इंटरेस्ट के लिए, तीन आपका डेबिट और क्रेडिट। इसके बाद लेजर क्रिएट करना है। लेजर देखिए कौन से क्रिएट करना है आपको। लेजर पे आप जाएंगे, यहाँ पे आप लेजर क्रिएट करिएगा। एक तो डेबिटर आपके पास होना चाहिए, मान लीजिए नया डेबिटर हम कोई क्रिएट कर लेते हैं, अरुण डिया सनडी डेबिटर। अब एक बात यहाँ ध्यान रखिएगा, जब आप इसको ऐड कराएंगे तो यहाँ पे पूछेगा डिफॉल्ट पीरियड, कितने दिन के लिए उसको उधारी देना है, कितने दिन बाद उससे हम ब्याज लेना चाह रहे हैं। यदि आप यहाँ फिक्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज जब हम एंट्री करेंगे उस समय भी बता सकते हैं। तो अभी इसको यहाँ पे अभी इंटर नहीं करिएगा, एस कर दीजिएगा सीधा। लेकिन यहाँ पे आपको इस बात को ध्यान रखना है, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन इसको एस करना होगा आपको, ओके। इस ऑप्शन को आपको एस करना होगा। चाहे तो डिफॉल्ट क्रेडिट भी दे सकते हैं, मैं मान लीजिए इसको दे देता हूँ 10 दिन, 10 दिन बाद इससे ब्याज लगेगी, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को एस किया। कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन बाई ट्रांजेक्शन, मतलब जितना पैसा वो लेगा वैसे ही हमको कैलकुलेट करना है एस। ओवरराइडिंग पैरामीटर फॉर ईच ट्रांजेक्शन, इसका मतलब जब भी हम ट्रांजेक्शन करेंगे हमेशा ब्याज में चेंजेस करना चाह रहे हैं कि नहीं, यदि करना है तो एस, नहीं करना है तो नो, ओके। एस कर देता हूं। ओवरराइडिंग एडवांस पैरामीटर इंक्लूडिंग ट्रांजेक्शन एस, और इसको अभी नो रखिएगा, इसको मैं आगे समझाऊंगा। फॉर अमाउंट एडेड, फॉर अमाउंट डिटेक्टेड, यहाँ पे रेट बताएंगे कितने रुपए से ब्याज लेना है, कितने परसेंट का, 5%, कितने दिन में ब्याज कैलकुलेट कराना है, 30 दिन में, 365 दिन में या कैलेंडर मंथ जो भी होगा। तो मैं कर देता हूँ 30 डेज। ऑल बैलेंस सभी पे ब्याज लगाना है, ऑलवेज हमेशा लगाना है, ठीक है। इफेक्टिव डेट फॉर ट्रांजेक्शन, जिस दिन उसने ट्रांजेक्शन किया उसी दिन से इफेक्टिव हो जाएगा,
इन ऑप्शन को आपको ऐड करना है। तो ध्यान रखना, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ये ऑप्शन तभी मिलेगा जब वो फीचर्स इनेबल होंगे। ओके अब यहाँ पे एक और इंटरेस्ट भी आप बना सकते हैं लेजर, अपने जो ब्याज मिलेगी उसको रखने के लिए, और वो क्या होगी, हमारी इनडायरेक्ट इनकम होगी। जो ब्याज हमको मिल रही है इनडायरेक्ट इनकम है। ओके अब मान लीजिए हम गए सेलिंग में, सेल कर रहे हैं एफेक्ट। यहाँ पे आपको ध्यान देना है टैली, चूंकि हम एजुकेशनल मोड चला रहे हैं तो इसको हमको चेंज करना होगा बाउचर मोड में। बाउचर मोड में अभी एंट्री हमारी होती है, इनवाइस मोड में है तो हमको बाउचर मोड में इसकी एंट्री करना होगा, तभी इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, अदरवाइज इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होता है। यदि आपके पास लाइसेंसी सॉफ्टवेयर है तो आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ओके इसके लिए आपको क्या करना है, बाउचर मोड में चेंज करने के लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ दिखाता रहता है, आप यहाँ से समझ सकते हैं। ये देखिए एज ए बाउचर, ठीक। यहाँ पे आप क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस वी प्रेस करेंगे। ये देखिए बाउचर मोड में चेंज हो गया। बाउचर मोड में थोड़ा सा चेंजेस आता है, क्या सेल करना है वो हम बताएंगे इसको। रेफरेंस नंबर 22 किसको, अरुण को, और कितने का सेल करना है ये हमको बताना है। मान लीजिए हमको देना है 10,000। ओके यहाँ पे न्यू रेफरेंस, देखिए क्रेडिट पीरियड ऑटोमेटिक वहां बता रहा है जो हमने फिक्स किया था, चाहे तो चेंज कर सकते हैं। 10 दिन बाद इसको ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगी, बता रहा है आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल की एंट्री हो रही है, 11 अप्रैल को इसको ब्याज लगेगा। ओके कितने परसेंट, ओवर पैरामीटर हमने बताया था 5%, यदि आप चाहें चेंज कर सकते हैं। कितने दिन में ब्याज लेना है, 30 दिन में, ऑल बैलेंस पे टू सेल, क्या वो आप बता सकते हैं। हम एक टेलीविजन ही इसको भेज देते हैं 10,000 की। ओके इस प्रकार की इसकी एंट्री आप फिनिश कर देंगे, ये एंट्री पूरी हो गई। एंट्री पूरी होने के बाद आपको देखना है कि ब्याज कैलकुलेट हुआ कि नहीं, चेक करना है। तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, रिपोर्ट में कहां से आपको पता चलेगा, मैं आपको बता रहा हूं। रिपोर्ट चेक करने के लिए आप डिस्प्ले पे जाएंगे, गेट पे आप यहां से टैली से डिस्प्ले पे आप जाएंगे, और डिस्प्ले के अंदर आपको मिलेगा इंटरेस्ट लेजर। लेकिन ये तभी आपका एक्टिवेट होगा जब आपकी डेट उससे आगे हो जाएगी। यदि डेट वही होगी तो आपको वहां पे डिस्प्ले नहीं होगा। यदि डेट आगे, यानी कि 11 दिन तक तो उससे ब्याज हमको लेना नहीं, उसके आगे यदि आप देखेंगे तो वो ब्याज आपकी कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे स्टेप नोट कर लीजिएगा, डिस्प्ले पे जाइएगा, डिस्प्ले के अंदर आपको मिलेगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। स्टेटमेंट अकाउंट में आपको मिलेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा इंटरेस्ट रिसीवल और पेबल, यानी कि हमको मिलना है कि देना है, तो रिसीव होना है तो रिसीवल पे आप जाइएगा। अभी देखिए कोई ब्याज नहीं है क्योंकि 1 ही अप्रैल है। यदि मैं इसकी डेट चेंज कर देता हूँ, F2 करिएगा और यहाँ पे कर देता हूँ मई, ये देखिए ब्याज कैलकुलेट होके आ गई, मई में इसको ब्याज लग गई करंट एसेट। ये देखिए कितनी ब्याज लगी है, संडी डेप्टर आपका अरुण है, और इसकी जो ब्याज है ये कितनी कैलकुलेट हो गई, 5,000। ये देखिए पेंडिंग अमाउंट तो आपका 10,000 है, 5,000 रुपए इसको ब्याज लगी है। आप इंटर करते जाएंगे तो यहाँ पता चल जाएगा 10,000 से 2 अप्रैल को इसने सेलिंग किया था, 1 मई तक में 30 डेज के हिसाब से 5% 500 रुपए इसको ब्याज कैलकुलेट है। तो आपको इतना करना है, अभी ब्याज को सिर्फ कैलकुलेट करना सीखना है जैसा कि मैंने बताया आपको, और रिपोर्ट पे जाके चेक करके देखना है।
जब आपका कैलकुलेशन बनने लगेगा तो फिर इसको ब्याज को रिसीव कैसे करेंगे ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो आज आप अभी इतना करिएगा कि इसको सिर्फ कैलकुलेट करना सीखिएगा, और इसमें यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बताएंगे। ओके, तो आज की क्लास यहीं पर क्लोज कर रहे हैं।